गया में नर्मदी युवा सेना हजारों लोगों तक पहुंचाया भोजन। बस एक ही संकल्प कि कोई भूखा न रहे, इसलिए कर रहे दिन रात लोगों की सेवा। आइए देखें दिल को सुकून देने वाली एक खास खबर। कोरोना की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नर्मदी युवा सेना पिछले 25 दिनों से लगातार सेवा कार्य में जुटी है और देश के अन्य अन्य क्षेत्र में जाकर गरीब व जरूरतमंद लोगों को निशुल्क भोजन के पैकेट वितरण कर रही है। बता दें, बीते लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा समस्या गरीबों को भोजन में आई थी। गरीब लोग खाने तक से मोहताज हो गए थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए नर्मदी युवा सेना आगे आई और गरीब और जरूरतमंद लोगों का भोजन का बीड़ा उठाया। नर्मदी युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि अभी तक उनके द्वारा सैकड़ों गरीब परिवारों की मदद की जा चुकी है और आगे भी गरीब लोगों की मदद के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। ये अभियान जब तक कोरोना काल है तब सतत रूप से चलता रहेगा। अभियान में संगठन के प्रवक्ता सोनू सोना ने, अखिलेश सितवर, मीडिया प्रभारी गौतम शर्मा, पंकज शर्मा, महिला रक्षा मंच से जिला अध्यक्ष रोशनी ठाकुर आदि उपस्थित थे। देखिए, हमारी नर्मदी युवा सेना टीम मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में, देवास से लेकर छतरपुर तक, धार तक, इंदौर, उज्जैन, सब जगह छोटे छोटे प्रयास कर रही है। लगभग 5,000 लोगों को रोज खाना बांट रही है, राशन बांट रही है और बाकी लोगों को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लोग भी ये काम करें, क्योंकि ऐसी आपदा से सिर्फ शासन प्रशासन के भरोसे जीता नहीं जा सकता। हम सबको मिलकर साथ रहना होगा और साथ मिलकर ये लड़ाई जीत लेंगे। ये लगातार जारी रहेगा जब तक इस तरीके की दिक्कत देश में है और देश में जब तक हम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। नर्मदी युवा सेना पूरी ताकत के साथ लगी रहेगी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी।